नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मोहाना मंडी में है और आज हम प्याज का अपडेट देने वाले हैं यशपाल भाई से। क्या बाजार देखने को मिल रहा है, कितनी आवक है और भाव कैसा रहा, ग्राहकी कैसी रही, कहां कहां से माल आ रहा है, सभी जानकारी होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए जान लेते हैं आज का अपडेट यशपाल भाई से। कैसे हो सर? सर राधे राधे सर, ये बढ़िया सर, सर आप सबको राधे राधे सर। बहुत बढ़िया सर। तो सर आज क्या अपडेट रहा प्याज में सर? जी सर, प्याज में क्या अपडेट रहा? प्याज अपडेट सर ऊपर में जो अपना ये लोकल है ये 26 रुपए तक बिका है। 26 ये लोकल माल कहाँ का है सर? ये झालावाड़ जिले का है। अच्छा, झालावाड़ जो बोलते हैं ना अपन, यही ऐसे प्याज आते सर उधर। ये 26 रुपए बिका है सर ऊपर में। ऊपर में 26 रुपए बिका है सर। और ये वाला कहाँ का माल है सर? ये मथानिया सर, तीनों गाड़ी मथानिया की सर। अच्छा, मथानिया में गिरागी बहुत स्लो है आज। बिल्कुल बिल्कुल, 20 से लेके 22 23 24 तक बाजार है मथानिया में। 23 रुपए माना सर आज, क्योंकि डाउन है सर। बिल्कुल, पीछे नासिक दौड़ दिया ना सर कल 4-5 रुपए किलो। बिल्कुल बिल्कुल। और नासिक वाला क्या चल रहा है यहाँ पे? नासिक सर कल आप बता रहे थे 30-31 तक बिका था। हाँ, मैं आज तो मैंने पता किया नहीं क्योंकि मेरे पास लोकल आ रहा है, तो मैं लोकल सर आ रहा। नासिक का प्याज आ ही नहीं रहा है सर, बहुत कम मात्रा में देख रहे सर। एक बार बताओ मेरे को, जब पड़ता ही नहीं खाएगा। बिल्कुल, आज सपोज करो आपने कोई गाड़ी भराई, अब एक गाड़ी के अंदर 25 टन की गाड़ी, अब 1 रुपए किलो का भी घाटा है तो कितने गए? 25,000। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ना। बिल्कुल, तो उस चक्कर में लोग मंगा नहीं रहे। अब ये भी गारंटी नहीं है 1 रुपए या 2 रुपए किलो कम बिके। बिल्कुल, दो बिके तो 50,000 की गड्डी गई, तो भरे कौन? ना व्यापारी की ताकत हो रही, ना आड़ती की ताकत हो रही, दोनों ही नहीं भरवा रहे ना भर रहे। कल से 2-3 रुपए डाउन है सर। हाँ, 3-4 रुपए नासिक डाउन है, 3-4 रुपए यहाँ भी डाउन देने को। अच्छा जी सर, तो उसका कारण है आवक कुछ ज्यादा हो गई है सर? आवक के अंदर नहीं है एक्चुअली, जो ये बाजार था ये अभी 32 रुपए लेके जाना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, 32 रुपए तक नासिक में जो प्याजे बिकी थी 30-31 32 में नासिक में बिक रही थी, तो वो कुछ ज्यादा थी क्योंकि अभी एमपी आ रही है। देखो हल्की भारी माल जो आते हैं, मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में कि ऐसे माल बाजार बिगाड़ते हैं, तो वो बाजार बिगड़ रही है। अब आप मान लो आप 30 वाला लेके जा रहे हो, मैं 16 वाला लेके जा रहा हूँ, मैं तो 25 का 1 किलो बेच दूंगा, आप 30 का 40 बोलोगे तो लोकल वाला ग्राहक भी सोचता है यार इससे भी सब्जी बढ़नी, इससे भी सब्जी बढ़नी, यही। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो दिक्कत हो जाती है सर। रेट का फर्क बहुत हो जाता है ना सर, किलो पे भी फर्क बहुत, 10 रुपए किलो का फर्क हो जाता है। एक सर आवक जैसे पीछे एमपी की मंडियों में भी ज्यादा हो गई है, प्लस जो माल है वो हल्का फुल्का आ रहा है, डैमेज आ रहा है, इस वजह से भी थोड़ा सा भाव डाउन मेरे हिसाब से। सर एक्चुअली हुआ क्या है, इस साल इस सीजन जो अपन जैसे अब जैसे आप ये एक बार टीन देखो ऊपर। बिल्कुल, अब जो राजस्थान में जितना भी स्टॉक होता है ना टीन के नीचे होता है, मतलब तीन तरफ दीवार होती है, तीन साइड होता है, ऊपर टीन होता है। अब हुआ क्या, 50 का तापमान टीन पे बढ़ा है, 40-48 का तापमान टीन पे बढ़ा और धरती वैसे गर्म है। बिल्कुल, क्योंकि उधर तो खेतों में तो मिट्टी मिट्टी है, तो उन्होंने तो जैसे स्टॉक करते रहे वैसे कर लिया। अब बीच में पंखा चल रहा है तो हवा तो गर्म ही मिली ना। बिल्कुल, हवा गर्म मिली और थोड़े टाइम के लिए रात को ठंडा हुआ तो नमी पकड़ी, नमी तो प्याज ने मुंह से पकड़ ली प्याज पानी की। बिल्कुल, अब वो पूरा का पूरा पंखा जो घूम रहा है वो गर्म हवा में घूम रहा है, तो उसने उसको डैमेज कर दिया। बिल्कुल, डैमेज कर दिया तो इनको पता ही नहीं पड़ा, ऐसे भी डैमेज होता है, तो धीरे धीरे डैमेज होता चला गया, जब तक पता पड़ा तब तक पूरा का पूरा भाड़ा साफ था। बिल्कुल, ये दिक्कत थी सर। तो सर अब बाजार और डाउन जाएगा या फिर ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बाजार स्टिल खड़ा रहेगा। 20 से लेके 25-26 का हमारा अनुमान था, है, रहेगा। आने वाले टाइम के अंदर प्याज कुछ भी बिक सकता है, प्याज ये मान लो 50 से लेके 60-70 के बीच में कुछ भी बिक सकता है, जिसका रुक सकता है। मेरे हिसाब से जैसे कि आप कल बता रहे थे 70% फिक गया, 70% सर अभी भी, जैसे मैं पीछे एमपी के जो 10-12 किसान थे उनसे मैंने बात करी, कह रहे 70% एक्चुअली में फिक गया है सर खेतों से। हमारी नॉलेज जो हमारी मेरी और हमारा जो हमारा ग्रुप है उसकी नॉलेज है, हाँ 35 से 40% प्याज बिल्कुल फिक चुका है, और उसके अंदर से भी 10 से 15% मंडियों में आया है, जो नहीं बिक पाया है और जो बिका है वो व्हाटएवर जो भी हुआ है 35 से 40% प्याज मतलब पूरी, अगर एमपी की बात करें तो मेरे हिसाब से 35 से 40% प्याज के अंदर जो है पूरी की पूरी शिकायत है। 60% प्याज पड़ा है, जब तक ये एक बार नहीं साफ होता तब तक नहीं कैलकुलेशन का पता पड़ पाएगा कि कितना उसमें भी डैमेज है। बिल्कुल, और कितना बिक चुका है और कितना बाहर आ चुका है, क्योंकि मंडियों में प्याज भरपूर आ रहा है भरपूर, तो घबराने वाली बात तो नहीं है, नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक नहीं लग रहा है। अब जिसका डैमेज है उसको रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो सोचे कि नहीं 50 से बेचूंगा, उसको 25 के पैसे मिल रहे हैं तो भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक अंकुश भी है हमारे दानों दागे, उन्होंने यही सोचा था, बोला रोक लेता हूँ, 2 दिन रोकने के चक्कर के अंदर उनका पानी छोड़ गया। बिल्कुल, जो यहाँ पे रखे हुए थे, जो इधर रखे हुए थे प्याज, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके थे प्याज। कल दिए 80 रुपए 100 रुपए कट्टे में, क्योंकि कुछ था ही नहीं उसमें, पानी पानी छोड़ रहा था पहले दिन से ही, इसीलिए। बाकी जिसका रुक सकता है उसको रोकना चाहिए, जिसका नहीं रुक सकता उसको भेज देना चाहिए। चलो जी सर जी, राधे राधे। A34 नारायण डेढ़ अशोक का भाई, अशोक का मित्र,
प्यार बनाए रखे हैं, उल्टे सीधे कमेंट करोगे और हाँ लोग कर रहे हैं सर बकचोदी करोगे, तो प्लीज आप आओ इंटरव्यू दो, ज्ञान दो, अपना ज्ञान बांटो। मैं तो चाहता हूँ सबको ज्ञान बांटो। बाबूजी को बुलाओ, बाबूजी आपका भी इंटरव्यू लेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। बाकी बकचोदी करने से कुछ नहीं होता सर, हमारी भाषा में बोला जाए तो बकचोदी है कि कुछ भी किसी ने भी बोल दिया। बिल्कुल। और हमारे पापा की भाषा में बोले नाच ना आंगन टेढ़ा, वैसे आते आवे जावे कुछ नहीं बस लिख दिया। अब लिखने पर तो सरकार रोक ही नहीं सकती ना। बिल्कुल ठीक है सर, राधे राधे। 34 नारायण टेढ़ा सर।